नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं ऋतुवेश। बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर को लेकर, जहां पर ये कहा जा रहा है कि आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट को लेकर उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है, जो खुद गृह सचिव अजय कुमार करेंगे। तो अजय कुमार की अध्यक्षता में ही ये बैठक की जाएगी, जहां पर ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में सचिव स्तर के तमाम जो अधिकारी है वो शामिल होने वाले हैं और राज्य के अतिरिक्त सचिव भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि 31 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश बनेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जिस तरह से धारा 370 हटाई गई, उसके बाद से वहां पर लद्दाख को जिस तरह से अलग कर दिया गया है जम्मू कश्मीर से, उसके बाद अब हालात जो है सामान्य हो चले हैं, लेकिन एकाएक करके केंद्र सरकार जो है फैसले भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे वो लद्दाख हो, दोनों को लेकर लिए जा रहे हैं। और इसी दौरान हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल है वो भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा कर रहा है और वहां पर जो विकास का रोड मैप है वहां पर तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि गृह सचिव अजय कुमार एक बैठक कर रहे हैं, उच्च स्तरीय बैठक कही जा रही है जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन एक्ट को लेकर, जिसमें बैठक में जो है सचिव स्तर के अधिकारी होंगे और राज्य के अतिरिक्त सचिव भी शामिल होंगे। तो मुद्दा यहां पर यह है कि 31 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश बनेगा जम्मू और कश्मीर। तो कह सकते हैं कि एकाएक करके फैसले अहम लिए जा रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विकास की एक राह पर लिया जाए और इसी विकास की राह पर आगे ले जाते हुए एकाएक करके बैठक की जा रही है। उच्च स्तरीय आज बैठक ये भी होने वाली है और अजय कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।